लास्ट क्लास में हमने नर्वस सिस्टम प्रोटोजोआ पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा में पढ़ा था। पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है और प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं वो खाली स्टिमुलस के अगेंस्ट अपना रिएक्शन शो करते हैं, रिस्पांस शो करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव या विड्रॉल का रिस्पांस शो करते हैं। सिलिंड्रेट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल्स के फॉर्म में पाया जाता है और मेसोग्लिया में नर्व नेट उसमें उपस्थित होती है। एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस या एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों में ही नर्व सेल्स पाए जाते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहला अपीयरेंस जो नर्व सेल्स का है वो हम फाइलम सिलिंड्रेटा में देख सकते हैं। आज हम नर्वस सिस्टम फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स में देखेंगे। प्लैटीहेलमिंथ्स के दो जंतु आपके कोर्स में हैं, फेस्टुला हिपैटिका एंड टीनिया सोलियम। आज हम नर्वस सिस्टम फेस्टुला हिपैटिका में पढ़ेंगे। फेस्टुला हिपैटिका जिसे लिवर फ्लूक भी कहते हैं वो क्लास सिस्टोडा का जंतु है। ये एक एंडोपैरासाइट है जो कि भेड़ के लिवर और बाइल डक्ट्स को इन्फेक्ट करता है और लिवर रॉट नाम की एक डिजीज़ उत्पन्न करता है। ये अपना कुछ समय या लार्वल लाइफ जो होती है ये स्नेल या घोंगे में व्यतीत करता है। नर्वस सिस्टम फेस्टुला का हम देखें तो ये कम डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासिटिक हैबिटेट के कारण इसमें नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है, परंतु सिलिंड्रेटा से अधिक विकसित होता है। हम देखें तो फेस्टुला हिपैटिका के अग्र सिरे पर या एंटीरियर रीजन या सिफेलिक रीजन या हेड का जो रीजन है, ये जो सिफेलिक रीजन है इसमें नर्व सेल्स पाए जाते हैं और ये नर्व सेल्स तीन गैंग्लिया के रूप में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिसमें ये एक और ये दो लेटरल गैंग्लिया होते हैं और एक पीछे की तरफ गैंग्लिया और प्रेजेंट होता है, वेंट्रल गैंग्लिया जिसे कहते हैं। तो दो तो लेटरल और एक वेंट्रल गैंग्लिया, ये तीन गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और ये तीनों गैंग्लिया ईसोफेगस को सराउंड करते हुए एक रिंग का फॉर्म में आप देखते हैं जुड़े हुए हैं। ये रिंग है जिसे हम सेरिब्रल रिंग कहते हैं। सेरिब्रल रिंग, दे फॉर्म अ सेरिब्रल रिंग अराउंड द ईसोफेगस। इन गैंग्लिया से, ये आप गैंग्लिया देख रहे हैं, इनसे फाइन नर्व्स निकलती हैं एंटीरियर एंड पे और पोस्टीरियर एंड पर ये नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो पोस्टीरियर एंड पर जो नर्व्स हैं एंटीरियर एंड पे, तो ये आपको ये फाइन नर्व्स यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं, दो गैंग्लिया से ये निकलती हुई। पोस्टीरियर एंड पर जो ये नर्व्स होती हैं ये तीन मेजर पेयर्स में आप इनको नर्व्स देख सकते हैं। इन्हें कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के फॉर्म में आप इनको देख सकते हैं। तो तीन लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स जो हैं उसमें से तीन पेयर्स होते हैं ये। तो एक पेयर है डॉर्सल नर्व कॉर्ड का, ये वाला, दूसरा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड का और तीसरा है लेटरल नर्व कॉर्ड का। तो तीन लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड लेटरल नर्व कॉर्ड। इसमें आप देखेंगे कि जो लेटरल नर्व कॉर्ड जो होती है वो बाकी दोनों नर्व कॉर्ड से अधिक विकसित है और ये पोस्टीरियर मोस्ट एंड जो होता है बॉडी का, वहाँ तक आप इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। इन नर्व कॉर्ड से देखिए आप फाइन नर्व्स निकली हुई हैं। तो ये जो फाइन नर्व्स इनसे नर्व कॉर्ड से निकलती हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और ये प्लेक्सस बनाती हैं। इसी प्रकार से ये लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, डॉर्सल वेंट्रल से
वेंट्रल लेटरल से या डॉर्सल लेटरल से, ये एक दूसरे से ये भी कनेक्टेड रहती हैं ट्रांसवर्स कनेक्शंस के द्वारा। ये सारी नर्व कॉर्ड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। अब ये देखिए कि जो नर्व सेल्स फेस्टुला हिपैटिका में पाए जाते हैं, तो ये जो नर्व सेल्स होते हैं ये बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर का मतलब होता है कि ये जो नर्व सेल्स हैं इनसे जो नर्व इम्पल्स होती है वो दोनों डायरेक्शन में ये नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर सकती है। नर्वस सिस्टम जो फेस्टुला हिपैटिका का है उसको दो रीजन्स में हम बांट सकते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तीन सेरेब्रल गैंग्लिया आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो लेटरल गैंग्लिया हैं और एक वेंट्रल गैंग्लिया है, और वो तीनों गैंग्लिया इसोफेगस के आसपास एक जुड़कर एक रिंग बना लेते हैं जिसे कहते हैं सेरेब्रल रिंग। तो ये तीन गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लिया, सेरेब्रल रिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है, और तीन पेयर्स जो लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के हैं, एक डॉर्सल पेयर, एक वेंट्रल पेयर, एक लेटरल पेयर, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेकेंड जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो बारीक बारीक नर्व्स सेरेब्रल गैंग्लिया से निकल रही हैं या नर्व कॉर्ड से जो निकल रही हैं और जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जाती हैं या सप्लाई होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टीनिया सोलियम का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपके क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप उनको डाल के पूछ सकते हैं।